तो लग रहा है मोटा हाथ मार कर लाया। ये क्या 100 ग्राम चावल वही मोटे के? भाऊ जी यार हम तो तुम्हारे मुंह के हिसाब से ले गए हैं। तुम्हें नाक कटवा रखी है कुत्तो, खानदान में कैसे तुम पैदा हुए मेरे चोर हो गए? अरे बिल्कुल जलीली हो गया, अरे जानवर देंगे। अरे हंस रहे आए, हेलो पिट पिट के बेशरम बढ़ गए। जरा कल्लन के लोंडे को देख लो, 2.5 किलो चावल लाया और नमक की थैली लाया अलग से, हैं? क्या करोगे? हम बताओ। तुम्हें कल्लन के बारे में कैसे पता? पता ही है मुझे कैसे भी ये। मुझे पता कैसे पता? कल्लन के जुर्वाए सेटिंग जो चल रही है। तू भी सेटिंग पे ध्यान दिए कल्लन? अरे चोरी पे ध्यान मत दे लिए, हैं? डांटी मारे जाओगे। आज तक तुमने क्या करा? बोरी की बोरी लाते थे चुरा के और नमक के कट्टे अलग से, और दादा हमारे पूरी ट्राली लेके चले जाते थे चुरा के, समझ गया? अभी समझाया, तरीके से खड़ा हो जा। काले का बुढ़ाव का नाटक ज्यादा ही हो, चल छोड़ के चल। सालो फागे लग जाएंगे, फागे जा रहे हो। और तुम तो नियामत खिला रहा हूँ, उबाल के चावल खिला रहा हूँ, उसमें भी नमक ना डालते हो, पानी कर देते हो ज्यादा ऊपर से, और हमें बता रहा हो कि फागे लग जाएंगे। साले आप जब भी फागे लगे ना, जब पता चलेगा जाके देख दुनिया बाहर की। यार काले बुढ़ा कभी कभी बड़ी ऊंची चोनी बातें करता है, अरे गोली मार दूंगा इसके। बुढ़ा मत के फोड़ दूंगा, चल यहां से निकल। यार छोड़ो बाप तो अपने। यार छोटे ने बाबूजी का भी नाटक हो गया, जब दिल में आता जब बजाते हैं ना, कुछ बड़ा करके दिखाओ। इसीलिए तो यहाँ बैठे हैं, कुछ करके दिखाएंगे। वैसे है तो पिट ना सुअर की जैसी आवाज निकालता है, ओए ओए जमाई ऐसे लेता। अब सुबह से भी ढाला पड़ा, तो यहाँ बता भी दे क्या करना। बाबू जी जुमा बोल रहे हैं, बोलो जुमा कैसी। अब जुमा कैसे दिखाता रहेगा, बताएगा भी क्या करेगा यहाँ बैठ के। देखी ये घर है, पीछे घर देख। इसमें क्या? इसमें मैंने सुना है चावलों का गोदाम है इसमें। इसमें आज लंबा हाथ मार दी, बाबूजी को खुश हो जाएंगे। बाबूजी का कद्दू खुश हो जाएंगे, बाबूजी को टेंगा देंगे। 100 ग्राम चावल से ज्यादा ना देंगे भैया। बाबूजी फागे मार जाओ अपने ऊपर। अरे फागे बुड्ढा साला बोतरामी, इसमें से पूरा एक ट्रॉली चावल चुराना है। बस ध्यान से उठिए देख, मैं चुपके से जाके ना कैमरे पे कपड़ा डालता हूँ, ठीक है? जल्दी जा, और तू तुरंत ना काम पे लग जाना। और मेरी जान क्या कहोगी? साहब घर छोड़ दे। अरे बाबूजी, अरे बाबूजी डॉक्टर ने मना करा, मना था। चलो घर छोड़ के मत जाओ, फाके लग जाएंगे। काले इस बुड्ढे का भी कुछ नहीं हो सकता, इसे दिख नहीं रहा कि ये इतना बुरा सिर फटा पड़ा। उन्होंने ब्रूस ली ने कुछ बुरा मारा मुझे, ऊपर से यही बात है इसकी। तमीज से बोल बाबूजी, मारेंगे नहीं। अरे मेरा कद्दू का बाबूजी। अरे बाबूजी अपने हाथ से खाना खिला जाएगा। अरे बेटे जैसे बच्चों ने खाता था मेरा हाथ से ऐसे ही खाएगा, याद रखिएगा। बासमती का चावल खिलवाएंगे, मगर सालो तुम्हारे चक्कर में मुझे ठुर्रा खाना पड़ लिया जब तक तुम्हारी ये जवानी आई है। सुअर एक्टिंग कर रहा है फिर। इतनी जगह मोटे का चावल आता है ना, इससे आधा पिट के आते हो। सालो 250 ग्राम चावल लाओगे? जब तुम्हें बासमती का चावल खाना तो तुम एक बार बता दो ना कैसे चोरी करते हैं। नालती भी देते रहते हो हर टाइम। सालो करके दिखाऊंगा तुम्हें, चोरी मैं ही करके दिखाओ, करके बताओ। हम भी देखना, तुम्हारी जवानी इसलिए है ना दादा, बिल्कुल मुझसे चोरी कराओगे पढ़ाते में भी। चलो मैं ही करके दिखाऊंगा तुम्हें चोरी, सही लो। ठीक है धारे हो बेटे, मैं नहीं करके देखा तुम्हें चोरी आज। कल्लन के बाद आ रही हूँ, सालो नकारो दोनों के दोनों, अजीब हुआ हमको, समझ गए? उससे चोरी कर अंदर बुढ़ापे में। टंकी बाज है बुड्ढा, हंसी के हंसी। वाले नमक का डिब्बा, बासमती चावल, बासमती चावल जन्नत में आ गए दिखते हैं हम तो। यार यार जब सभी जरूरत का सामान है बुड्ढा खा लेके गया, एड्रेस देकर चला गया, अभी तक आया कि देख बुड्ढा तो आता रहेगा अपने ना कि चावल लेके जाना। छोटे भाई बड़ा दर्द हो रहा है, कहाँ गिरा दिया तुमने लाके? ऐसा लग रहा है काले एकदम जन्नत से जहन्नम में आ गिरे हो। उठ के तो देख पड़े कहाँ है। अरे मैया कमर, अरे उठ यार,
बुड्ढा था ना अंदर बाहर से बंद गेट लव लेटर का खाला भेज दिया बुड्ढे की है आखिर आगे मैं कलुआ की जुरुआ को लेके जा रहा हूँ वो तुम मतलब मुझे याद मत करना वो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरी पूरी जिंदगी की कमाई इस रूम में एक बॉक्स रखा है वहाँ है और सिलेंडर के पीछे नमक की थैली रखी है नमक अपने घर में आगे बढ़ शायरी भी है यार शायरी सुना शायरी बुड्ढन की आवाज में पढ़ते हैं चलो भुला देना मुझे हे अलविदा तुम्हें तुम्हें जीना बेटा कल्लन को और संभाल लियो जरा जुरा को मैं संभाल लिया हूँ उसकी ठीक है।